तो दोस्तों सिलाई मशीन की मोटर उल्टी घूमती है, तो क्या करें, इसको कैसे सही करें। तो ये जो मोटर है इसमें प्रॉब्लम हुआ है, उल्टी घूमती है। ये देखिए इस साइड ये मोटर घूमती है, ठीक है, ये देखिए दोस्तों इस साइड मोटर ये घूमती है। तो हमें क्या करना है, इसकी जो पिन आती है इसको हमको खोल देना है। ये इसमें क्या हुआ है, मोटर इस साइड घूमती है, ये अपने साइड घूमनी चाहिए, ठीक है, मोटर अपने साइड घूमनी चाहिए, ये घूमती उल्टा है, ठीक है, इस साइड घूमती है। तो हमें क्या करना है, इसका जो प्लग होता है पहले ये इसको निकाल देना है, ठीक है, उसके बाद ये जो पिन आती है उसको खोल देना है। इसमें उल्टी घूमती है तो इसमें से ही तुम्हारे आगे पीछे होता है सेटिंग, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमें ये पिन को खोल देना है पहले, तो ये दो स्क्रू होते हैं अंदर, ये पूरे खोल देना है हमको, ये खाली एक ही पिन को खोलना है, ठीक है, इसको हमको नहीं खोलना, खाली एक ही पिन में से हमें सेटिंग करना है। ठीक है, तो ये हमने पिन को खोल दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे जो तीन पिन होती है तीन में से हमको ऐसे फिटिंग कर देना है, तीनों तीन फिटिंग को ऐसे पिन को फिटिंग कर देना है, ठीक है, ऐसे कर दिया है हमने। उसके बाद हमें स्टार्ट करके देखना है, इसका मैं प्लग स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ चालू करके कि हुई कि नहीं अभी। तो ये कंप्लीट हो चुकी है, वो इसमें ये देखिए ये अभी अपनी साइड घूमती, तो इसमें क्या हुआ है, इसका लोड भी अच्छे से उठा रही है, ठीक है, तो ये मोटर कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें से पिन में से अगर उल्टी भी घूमती है खोलने के बाद, पिन ये जो है खोलने के बाद उल्टी भी घूमती है, तो हमें आगे पीछे करके इसको उधर ने उधर हमको फिटिंग कर देना है इसकी पिन में, ठीक है। तो ये ओके हो चुकी है, अभी तो उल्टी घूम रही थी, अभी कंप्लीट हो चुकी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसके बाद ये जो मोटर है अपनी साइड घूमने के बाद इसका प्लग को निकाल देना है, फिर ऐसे नहीं ऐसे हमको ऐसे फिटिंग कर देना है। ये रेड वाला ऊपर है, फिर ब्लैक है, फिर ये हरा कलर का वायर, ऐसे नहीं ऐसे हमको ऐसे खींच लेना है, ऐसे नहीं ऐसे हमको लगा देना है इसमें, ठीक है। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखें, इस ऐसे हमको ये पिन को लगा देना है, ठीक है। पहले ये रेड वाला था, उसके बाद ये ब्लैक था, ठीक है, ये ब्लैक था, उसके बाद ये वायर था हरे कलर, ग्रीन टाइप का वायर था ये, ठीक है। तो ये इसका ऐसे ही सेटिंग होता है, और वायर इसके अच्छे से रख देने हैं ऐसे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ऐसे हमको वायर अच्छे से बिठा देने हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये जो पिन होती है इसके, ये जो पिन आती है इसको हमको ऐसे करके बिठा देना है, ये वायर है जो अच्छे से अंदर ऐसे बिठा देना है ऐसे। उसके बाद ये पिन को हमें रख देना है, तो ये बिल्कुल सही हो चुका है। तो ये स्क्रू का हमें बार बार साइड आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए, ये जो भाग है इस बाजू नहीं आना चाहिए, अपने साइड रखना है पहले। एक नट को पहले हमें फिटिंग कर देना है, फिर इसको अच्छे से टाइट कर देना है, ठीक है, ऐसे करके हमें ये, ठीक है। हमें अभी एक ये स्क्रू फिट होने के बाद हमें चेक कर लेना है ये कंप्लीट घूमती तो है मोटर, ठीक है। ये पिन हमने फिट कर दिया, ये प्लग करके मैं चालू करके आपको दिखाऊंगा पूरा। ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल सही हो चुकी है मोटर, ठीक है, अपने साइड घूम रही है, बिल्कुल सही हो चुकी है। इसमें और कुछ होता नहीं है, खाली पिन में आगे पीछे करके सेटिंग हो जाता है, बाकी और कुछ होता नहीं है, ठीक है। उल्टी भी घूमती है तो इसमें से ही तुम्हारे होता है, ठीक है। तो ये एक स्क्रू को हमने फिट कर दिया है, उसके बाद हमें दूसरा भी स्क्रू फिटिंग कर देना है, ठीक है, ये ऐसे करके दूसरा लगा देना है। तो ये बिल्कुल सही हो चुकी है, तो हमें ऐसे ही करके पूरा सेटिंग कर देना है, ठीक है। तो ये मोटर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, वापस आपको चालू करके बता दूँ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल सही हो चुकी है, तो इसका एक्सीलेटर है सही, ये देखिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए।